देख रहे हैं द ललन टॉप। अभी अभी कंगना रनौत की अगली फिल्म जजमेंटल है क्या का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिलहाल ट्विटर पर बधाइयों का दौर चल रहा है। कई फिल्म स्टार्स ने ट्रेलर की तारीफ की है। वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा से लेकर भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू तक ने ट्रेलर को मजेदार बताया है। लेकिन जब लोग ट्वीट कर रहे थे तब कंगना की बहन रमोली चंदेल एक चीज नोटिस करने में लगी हुई थी। वो ये देख रही थी कि ट्रेलर की तारीफ करते समय किस किस ने कंगना का जिक्र नहीं किया है। सबसे पहले उन्होंने पकड़ा वरुण धवन को और फिर बारी आई तापसी पन्नू की और उसके बाद अनुराग कश्यप। वरुण ने अपने ट्वीट में जजमेंटल लेके आगे ट्रेलर को मस्त बताते हुए लीड कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट और राइटर्स को शानदार बताया। वरुण के ट्वीट में कंगना का नाम ना देखकर रंगोली ने वरुण को फायर कर दिया भाई। उन्होंने कहा कि वरुण कंगना का नाम भी लिख देते सर, वो भी किसी की बच्ची है, उसने भी मेहनत की है। वरुण ने फौरन उन्हें जवाब देते हुए लिखा, सब लोग अच्छे लग रहे हैं, सतीश कौशिक सर से लेकर हुसैन दलाल, राजकुमार राव और खासकर कंगना, और लीड कास्ट का वही मतलब था मैम, शुभकामनाएं। यहां से फारुख हुए तो रंगोली को तापसी का ट्वीट दिख गया। तापसी ने लिखा था कि ये ट्रेलर उन्हें बहुत कूल लगा, उनको इस फिल्म से उम्मीदें हमेशा से ज्यादा थी और ये उस पर खरी उतरती नजर आ रही है। लेकिन इसमें उन्होंने न कंगना का जिक्र किया, न राजकुमार राव का और ना ही फिल्म की जो प्रोड्यूसर है एकता कपूर उनका। ये बात रंगोली को बुरी लग गई और उन्होंने तापसी पर अपनी पुरानी भड़ास निकाल दी। क्या बोला तापसी के ट्वीट का जवाब देते हुए रंगोली लिखती हैं, कुछ लोग कंगना को कॉपी करके ही अपनी दुकान चला रहे हैं, मगर गौर करें वो कंगना की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए भी उसका जिक्र नहीं करते। पिछली बार मैंने सुना था कि तापसी जी ने कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर यानी बात करने में की जरूरत है और तापसी जी आपको सस्ती कॉपी बनना बंद करने की जरूरत है। तापसी ने तो रंगोली की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अनुराग कश्यप बीच में आ गए। अनुराग कश्यप ने लिखा कि हद है रंगोली, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये जानबूझकर जबरदस्ती करने की कोशिश है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे क्या कहूँ, मैं तुम्हारी बहन और तापसी दोनों के साथ काम कर चुका हूँ लेकिन ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। ट्रेलर की तारीफ करना मतलब उससे जुड़ी हर चीज़ की तारीफ करना होता है जिसमें कंगना भी शामिल है। रंगोली ने फटाफट से अनुराग को जवाब देते हुए पीछे हट जाने की सलाह दे दी। रंगोली ने लिखा कि सर आप देख ही रहे हैं कि ये सिर्फ कंगना का जिक्र करने की बात नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने कंगना का नाम नहीं लिखा था, बात ये है कि कंगना के बारे में लोगों की उल्टी पुल्टी बातें सुनकर मैं थक चुकी हूँ। ये वही तापसी हैं जिन्होंने ये कहा था कि कंगना को डबल फिल्टर की ज़रूरत है, इसलिए अब मैं उन्हें आईना दिखा रही हूँ। मुझे पता है कि आप तापसी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन प्लीज बिना पूरा मामला जाने बीच में मत आइए, पीछे हट जाइए। हालांकि इसके बाद भी रंगोली ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए जिनका ना तो अनुराग ने कोई जवाब दिया और ना ही तापसी ने। अपने इन ट्वीट्स में रंगोली ने लिखा, अनुराग कश्यप ने बीती रात कंगना को फोन किया और कहा कि तापसी उनकी फैन है और ये भी पूछा कि कोई भी ऐसी मीडिया इंटरेक्शन बताओ जहां तापसी ने कंगना के बारे में फिल्टर वाली बात कही है। बात ये है कि तापसी हमेशा कंगना को एक्सट्रीमिस्ट कहती रही हैं, कंगना के ओपिनियंस हैं तो क्या दिक्कत है, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट और फिल्टर क्यों बुलाना। तापसी फैन है और हम सबकी तरह उसे भी कंगना को कॉपी करना बहुत पसंद है, कंगना की तरह कौन नहीं बनना चाहेगा, लेकिन बेकार में उनके बारे में फालतू बातें क्यों, ये सब शाणागिरी निकालने के लिए ही तो मैं ट्विटर पर आई हूँ, थैंक यू वेरी मच, मगर सबकी पोल खुलेगी, कोई नहीं रोक सकता। जहां तक बात तापसी की सस्ती कॉपी होने की है तो इन दिनों सोशल मीडिया पर जजमेंटल है क्या में कंगना के किरदार के हाव भाव अलग अलग विदेशी फिल्मों से उठाए हुए बताए जा रहे हैं। एक फैन ने तो नाम लेकर बताया कि उन्होंने कहा कि उनके किरदार के कई लुक्स और सीन्स फ्रेंच फिल्म एमिली, मशहूर डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर हर्ली क्वीन और फिल्म गर्ल इंटरप्टेड के किरदार लीजा से मिलते जुलते हैं। रंगोली पिछले दिनों ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रही थी, लेकिन ट्रेलर आने के बाद उनका सारा ध्यान बधाइयों वाले ट्वीट और उसे करने वाले सेलिब्रिटीज पर चला गया है। कंगना रनौत, राजकुमार राव, सतीश कौशिक, हुसैन दलाल, अमायरा दस्तूर और बिजेंद्र काला स्टारर ये फिल्म जजमेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। बाकी आप क्या राय रखते हैं इन ट्वीट्स के बारे में ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर देंगे तो जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुक्रिया।